नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को बड़ा झटका लगा है। सीतापुर जिले में पुलिस ने AIMIM के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि AIMIM के कार्यकर्ताओं ने बिना अनुमति के ही बाइक रैली निकाली थी, यही वजह है कि कोरोना दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक सीतापुर में AIMIM के नगर अध्यक्ष मोहम्मद मकीम ने अपने सहयोगियों के साथ पार्टी प्रचार के लिए बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान एक बाइक पर एक से अधिक सवार होकर झुंड बनाकर बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में इन सभी के खिलाफ धारा 188 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया था। AIMIM ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिहार चुनाव के बाद अब AIMIM की नज़र पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुए असदुद्दीन ओवैसी अगले साल होने वाले चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव में उतरने की तैयारी में है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।